ये जो मैं सुना रहा हूँ ये कुछ लोगों के लिए एक कहानी हो सकती है, लेकिन हकीकत में ये इस देश के बहुसंख्यक वर्ग यानी हिंदू समाज की आस्था और उनके आराध्य भगवान श्री राम के सम्मान का प्रश्न है। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर के अयोध्या सीरीज की दूसरी पेशकश। हम आ पहुंचे थे आजादी तक, दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन यानी भारत विभाजन के दंश के साथ हम आजाद हो चुके थे। खुद में ही कमियां ढूंढने का आदि हिंदू समाज अभी इस विभाजन की जिम्मेदारी भी किसी को नहीं दे पाया था कि अयोध्या की कहानी में एक और मोड़ आता है। तारीख थी 23 दिसंबर 1949। अभी तो सूरज भी ना निकला था कि पूरे अयोध्या में शोर हो गया कि ढांचे में रामलला की स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई है। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा, पूरा अयोध्या ही रामललामय जान पड़ता था। अयोध्या में जैसे मेला ही लग गया हो, जितने मुंह उतनी बातें। 23 दिसंबर की उस घटना के बाद अयोध्या में गहमा गहमी बढ़ जाती है। प्रदेश में हिंदूवादी छवि वाले पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार बनती है। वहीं फैजाबाद उपचुनावों में गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान प्रसाद पौधार के मित्र यानी बाबा राघवदास ने सोशलिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता आचार्य नरेंद्र देव को जबरदस्त पटकनी दे दी थी, जिससे हिंदू समाज उत्साहित था और अब अयोध्या मसले का अंतिम हल चाहता था। इससे पहले कि मुख्यमंत्री पंत मामले में दखल देते, प्रधानमंत्री नेहरू का एक अटपटा सा पत्र उन्हें मिलता है, जिसमें लिखा था कि आप इस मसले में न पड़ें, क्योंकि इससे मुसलमानों में भय का वातावरण बन जाएगा और पाकिस्तान से भी रिश्ते खराब होंगे। अच्छा, नेहरू जी हर मामले में इंटरनेशनल से कम नहीं खेलते थे, लेकिन उनके संदेह के क्या मायने थे ये तो आज भी अनुत्तरित है। लेकिन इसके बाद पंडित गोविंद वल्लभ पंत ठंडे पड़ गए और उन्होंने पूरे मामले से ही किनारा कर लिया और सरकार द्वारा ढांचे पर ताला जड़ दिया गया, न हिंदू की एंट्री न मुस्लिम की। वर्षा पहुंचा था 1961 और यहाँ कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। 23 दिसंबर 1949 की घटना के 12 वर्ष पूरे होने में बस 5 दिन ही शेष थे कि मुस्लिम पक्ष अपनी FIR दर्ज कराता है। यहाँ ये 12 का आंकड़ा जान लेना जरूरी है, क्योंकि किसी भी जमीन से जुड़े विवाद को 12 सालों के अंदर दाखिल करना होता है, वरना 12 साल तक जिस पक्ष ने जमीन पर हक जताया है कानूनन जमीन उसी की मान ली जाती है। तो साहब, सरल भाषा में समझें तो बस 5 दिन और ये FIR ना कराई गई होती तो अयोध्या का राम मंदिर कोई चुनावों का मुद्दा नहीं, बल्कि आज अपनी भव्यता से करोड़ों देशी विदेशी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होता। पर ऐसा न हो सका और जो हुआ वैसा इत्तफाकन नहीं होता, ये प्रायोजित ही था और इस प्रयोजन के परिणाम अब हम सबके सामने हैं। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत ने 1944 में देश के सभी धार्मिक स्थानों की एक लिस्ट जारी की थी, उसमें बाबरी वाले ढांचे का जिक्र तो हुआ, लेकिन अन्य मुस्लिम कब्जे वाले स्थानों की तरह यहां उसका कोई वक्फ यानी संरक्षक दर्ज नहीं किया गया था। बावजूद इसके मुस्लिम पक्ष ने फैजाबाद थाने में रिपोर्ट लिखाई कि उनकी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से मूर्ति रखी गई है और इस तरह नींव पड़ी एक नए सफर की, सफर जो कि फाइलों को तय करना था इस कोर्ट से उस कोर्ट तक, सफर जो श्री राम जन्म स्थान को आजाद कराने की अलग जगाने के लिए संतों को तय करना था इस गांव से उस गांव तक, सफर जो नेताओं को तय करना था दिल्ली से अयोध्या और अयोध्या से दिल्ली तक। इस तरह फाइलें यहां से वहां घूमते घूमते 2 दशक बीत गए और देश में यहां की तबीयत के अनुरूप स्वतंत्रता पूर्व की तरह ही भाईचारे की बातें की जा रही थी कि एक खबर ने सबको चौंका दिया। साल था 1981। देश के सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम गांव से 400 हिंदू परिवारों के इस्लाम में हुए धर्मांतरण की खबर देश में आग की तरह फैल गई। मामले की गंभीरता पर 1984 की हिंदू धर्म सभा में गहन विमर्श हुआ और निर्णय लिया गया कि अब इस्लाम प्रायोजित धर्म परिवर्तन को सीधी लड़ाई में दूचा जाएगा।
संघ प्रमुख रज्जू भैया, अशोक सिंघल, बाला साहब ठाकरे इन जैसे नेताओं की मौजूदगी में निर्णय लिया गया कि विश्व हिंदू परिषद रामलला को आज़ाद कराने के लिए जन आंदोलन करेगी। इसी धर्म सभा में कर्ण सिंह, जो जम्मू कश्मीर के अंतिम राजा के पुत्र हैं, जो इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री रहे थे और फिलहाल निर्दलीय सांसद थे, उन्होंने अपने भाषण में पहली बार तीन मंदिरों को ऐतिहासिक गुलामी से आज़ाद कराने का आह्वान किया, जिस पर धर्मसभा ने लगे हाथ मोहर भी लगा दी। वो तीनों मंदिर थे काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और राम जन्मभूमि अयोध्या। इसी दौरान 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद की प्रस्तावित रथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। देश चुनावों में चला गया और इस बार राजीव गांधी ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने। लाडले राजीव को अभी सत्ता संभाले जुम्मा जुम्मा चार दिन ही हुए थे कि साहवानो केस में कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आ गया, जिसे मुस्लिम समाज के ठेकेदारों ने शरीयत में दखल करार दिया, जिसके दबाव में राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने का फैसला ले लिया। दूसरी तरफ जनवरी 1986 में फैजाबाद कोर्ट में मंदिर पक्ष की ओर से एक याचिका डाली गई कि जब ढांचे को लॉक करने का कभी कोई कोर्ट ऑर्डर आया ही नहीं, फिर चार दशकों से हमें पूजा से वंचित क्यों रखा जा रहा है। और लगभग एक महीने बाद याचिका पर सुनवाई करते हुए ढांचे के ताले खोलने का आदेश आ जाता है। आदेश में भी यही उल्लेख किया गया कि ताला लगाने का ऑर्डर कभी दिया ही नहीं गया था। 40 मिनट के अंदर ताले खुलवा दिए जाते हैं और दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण भी किया जाता है। इस तरह शुरू होता है राजीव गांधी का दोधारी तलवार का सफर। दरअसल सह मानकर चली गई इन सियासी चालों में राजीव ने मात खाई। साहबानो केस को उलटने की वजह से हिंदू नाराज हुए और मस्जिद का ताला खुलवाने से मुस्लिम। 1989 आते आते सरकार बोफोर्स घोटालों में भी फंस चुकी थी। अब राजीव गांधी को सलाह दी गई कि वो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत अयोध्या से करें। वहीं दूसरी तरफ राजनीति का एक अंडरडॉग या कहें उपेक्षित धड़ा इस मुद्दे में अपना स्वर्णिम भविष्य देख रहा था, जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। दो सांसदों वाली भाजपा ने 1989 के अपने पालमपुर अधिवेशन में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाए जाने को अपने घोषणा पत्र में पहले पन्ने के पहले पॉइंट पर रखकर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। नवंबर 1989 में राजीव सरकार के कार्यकाल खत्म होने से चंद दिन पहले प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री बूटा सिंह को प्रतीकात्मक शिला पूजन करने अयोध्या भेजा, पर यहीं राजीव एक गलती कर बैठे और वो ये कि उन्होंने शिलान्यास ढांचे से थोड़ी दूरी पर कराया, जो कि हिंदुओं को बिल्कुल मंजूर नहीं था और मुस्लिम तो इस बात से खफा थे ही, और इस तरह प्लान बैकफायर कर गया और नतीजा ये हुआ कि राजीव गांधी को आम चुनावों में मुंह की खानी पड़ी। इस बार सरकार बनी जनता पार्टी की, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और भाजपा भी राम नाम के सहारे 2 से 85 सीटों पर पहुंच गई, साथ ही सरकार में साझेदार भी बनी। यहां से इस कहानी में एक नई कड़ी जुड़ी। नई कड़ी इस रूप में कि आडवाणी भारतीय राजनीति के बड़े चेहरे के तौर पर उभरे। 25 सितंबर 1990 को आडवाणी के नेतृत्व में राम रथ यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा को सोमनाथ से चलकर 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने का प्लान था, जहां विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा का आयोजन कर रखा था। जैसे जैसे 30 अक्टूबर नजदीक आ रही थी, प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मध्यस्थता के प्रयास तेज कर दिए थे और तय किया गया कि ढांचे के आसपास की जमीन अधिग्रहित कर ली जाए और जहां ढांचा बना है उस विवादित भूमि को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। फटाक से अध्यादेश भी ले आया गया, पर न जाने क्या हुआ कि अगले दिन एक और अध्यादेश लाकर पिछले अध्यादेश को निरस्त कर दिया गया और ठीक उसी दिन बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया गया। नतीजतन भाजपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और इस तरह जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में आ गई। इधर अयोध्या में प्रस्तावित कार सेवा के लिए लोग जुटने लगे थे और वह दिन भी आ पहुंचा। तारीख थी 30 अक्टूबर।
शाम होते होते एक खबर आई जिसने लोगों को दहला के रख दिया। मुलायम सिंह यादव की प्रदेश सरकार द्वारा कार सेवकों पर सीधे गोली ही चलवा दी गई थी, जिसमें दर्जनों कार सेवकों की मौत हो गई। और तो और, सरकार द्वारा मौत का आंकड़ा कम दिखाने के लिए लाशों को यहां वहां दफना दिया गया। देश में दहशत और आक्रोश का माहौल पसर गया। इसी बीच नवंबर 90 में राजीव के समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार बनती है, लेकिन 21 मई 91 को राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और देश एक बार फिर चुनावों में चला जाता है। कांग्रेस की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं नरसिम्हा राव, और उसी साल भाजपा पहली बार किसी प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सफल होती है। सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में। नतीजतन रामरथ पर सवार भाजपा द्वारा अपने वादों पर अमल शुरू करते हुए बावरी ढांचे के सामने की 2.7 एकड़ जमीन तुरंत ही अधिग्रहित कर ली जाती है। उत्साहित संत समाज लोगों से अपील करता है कि जुलाई 92 में फिर से अयोध्या में जुटा जाए और मंदिर निर्माण का संकल्प दोहराया जाए, जिससे केंद्र सरकार की सांसें फूल जाती हैं। तमाम प्रयासों के बाद प्रधानमंत्री राव संत समाज से 3 महीने की मोहलत हासिल करने में सफल होते हैं और इस तरह कार सेवा कुछ और महीनों के लिए टाल ली जाती है। अंततः एक तारीख तय होती है, 6 दिसंबर 1992, तारीख जिसको देश के इतिहास में अमर होना था। इसके साथ ही अमर होना था कई किरदारों को भी। आज भी लोग नहीं बटे हैं, मेरा कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सोरो, नो ग्रीफ।